स्वागतम मित्रों एवं मित्राणियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 9 बजे और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी ऊपर वाले साई से। बाकी आज भी काफ़ी कड़क धूप लगी हुई है, ये देखो आसमान पूरा साफ हो रखा है क्योंकि कल शाम के टाइम पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कल बारिश आई होगी, मतलब उमस वैसी की वैसी हो रही है। और अभी मेरे साथ कामों है, बाकी अभी हमने इनको यहाँ पर बाहर पर बांध दिया है और घास भी दे दिया। अरे छानी तो दोस्तों यहाँ रास्ते भर में देखो कितने सारे पत्ते झड़ रखे हैं, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है देखो। और आज थोड़ा ना पत्ते गीले भी हो रखे हैं, ले जाने के लिए सही है कि यहाँ ऊपर की साइड जाना है हमको। तो दोस्तों अभी हम अपने बंजड़े में भी पहुँच चुके हैं, तो आप फटाफट से पहले घास निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ रास्ते के ऊपर ही पे यहाँ पे जो ये वाला पेड़ है ना, इसी पे निकालेंगे क्योंकि यहाँ से तो ये वाला पेड़ खाली खाली हो रखा, मतलब एक ही है। और ये देखो कुछ टहनी इधर को जा रखी है, एक नीचे को, एक ये वाली और एक यहाँ ऊपर को और एक ये वाली। तो इधर वाला काटना है क्योंकि उसकी उसके ऊपर की साइड घास हो ही रखा है, तो इसी पे काटेंगे और चलेंगे उसके बाद घर को। बाकी काम यहाँ पे आते ही थकान से ये देखो कैसे हो रखी है। तो यहाँ की साइड ना छोटे छोटे पेड़ भी है लेकिन इन पे अभी घास नहीं हो रखा है ये देखो, तो इसीलिए हम इस वाले पेड़ पे काटेंगे अभी घास। अभी दोस्तों हम घास से भी आ चुके हैं और यहाँ ऊपर साई हमने पानी पुनी पिला के घास वगैरह देके अभी हम घर चढ़ने लग गए हैं। तो यहाँ से हम ना थोड़ा थोड़ा घास लेके जाएंगे, दो पुली कामों और दो मैं। तो अभी कामों थोड़ा अलग करी है इनको, तो इसमें लगाएंगे दो पुली। बाकी अभी टाइम 11:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों ये वाली भारी मेरी है और कामों की उधर वाली। ते कभी उठो काम, तो अब चलते हैं फटाफट से घर के लिए। तो दोस्तों अभी टाइम 1:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये नानी भी अभी स्कूल से आ चुकी है बॉटल लेके, तो नानी ना इसके बाद आएगी क्योंकि अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। हमारे परिवार में बॉडी और ने पाठ रखा था तो वहीं जा रहे हैं हम अभी। हेलो गाइस, हम आ गए स्कूल से, बाय गाइस। तो स्कूल वालों की छुट्टी भी अभी हो रही है, वहाँ तो खैर चले गई और सलोनी नहीं आ रही। तो दोस्तों हम सभी अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ठुमक जाबे ही पीछे ऐसा यू बटुम सीधा सीधा, ये देखो इतने सारे मिल गए हमको दगड़िया। तो दोस्तों अभी हमको यहाँ पे ना सैंतूत मिल गए, ये देखो इतने बड़े और काले काले जामुन जैसे, ये देखो। और यहाँ पे गाँव अभी ये वाली टहनी खींच रही लेकिन ना सबसे ज्यादा ऊपर इस वाली टहनी पे है ना, लेकिन उन पे निकालने के लिए नहीं है। बाकी जो ऊपर की साइड दिख रहे हैं ना आपको, उन पे भी बहुत सारे सैतूत हो रखे हैं, हमारे लिए इतना काफी है। हमारे साथ वाले सभी चले गए और हम दोनों चले गए थे सैतूत निकालने। काफी ज्यादा मीठे मीठे हो रहे हैं। पहले जब हम स्कूल जाते थे ना उस टाइम वो पेड़ नहीं थे, मतलब जो ऊपर की साइड वाले हैं, और जिस पे हमने अभी निकाले ना उस पे तो हो ही रखे होते हैं, लेकिन अब हमारे स्कूल भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे शायद आज सगाई हो रही है लड़की, हाँ लड़की की। मेरे तो पत्ते ही नहीं चाहिए, देखो खाते खाते हाथ बताओ भाई, मेहंदी लग गई। तो दोस्तों अभी हम खाना खा के भी आ चुके हैं और जैसे हम खाना खाने लगे ना वैसे ही बारिश आ गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बारिश बंद हो ही गई थी। और हमारे साथ देखो कौन है, हमारे साथ आरुही, क्या जी आरुही है इसका नाम। तो ये हमारे साथ आ रही है क्योंकि इसकी मम्मी घर से ले गई और बॉडी अभी भांडे धो के आएगी। क्यों बोलो, अभी हम घर पे भी पहुंच चुके हैं। तो आज भी हमारे गांव में एक शादी है, तो अभी शाम के टाइम पे वहाँ रोटी बनाने के लिए बोल रखा है और
अभी टाइम 3:30 हो रहा है और अभी से लोग रोटी बनाने के लिए चले गए। बाकी हमारे साथ यहाँ पे आर भी आ रखी है और मैं आगे तक इसका नाम आरुषि क्या ची यार इकुनोई आरवी और आरोही बोल रही थी मैं इसका नाम। तो ये हमारे साथ आ रखी है क्योंकि अभी ताए और ना बर्तन वगैरह साफ करके आएंगे, तो तब तक हमने बोला इसको हम अपने यहाँ लेके चलते हैं। और ये इतना ज्यादा रो रही है ना, तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं देवता देखने के लिए। बाकी रोटी बनाने के लिए नानी चले गई थी और इसकी ड्यूटी है अभी ऊपर साई जाने की। हम भी गरीब आदमी है इसलिए हम सुबह तो जाए ठीक जी। इसके कान तक लेके गई ना कैमरा, तो मैं तो चलती काम गोली फटाफट उठे करके। तो यहाँ पे मेरे को काम रुकी हुई है और गुन्नू देखो गुन्नू को लग रहा है कि हम जा रहे हैं ना, चल जल्दी चल हटा। दोस्तों हमारे सामने से ये दो महारथी जा रहे हैं, ये देखो देवता देखने। तो यहाँ से ऊपर को और हम इधर को चल चल तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। चुके हैं और अभी हमारा खाना भी हो चुका है क्योंकि खाना हम शादी से ही लेके आए थे, नानी जा रखी थी और अभी तक बारात नहीं पहुंची है, तो बारात को आने में ना अभी एक ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा लगेगा। तो अगर 9:30 बजे तक आ जाएगी बारात तो उसके बाद जाएंगे हम भी बारात देखने के लिए। बाकी नानी तो खाना खाने के लिए वहीं जा रखी है और हम सब ने तो अभी खाना खा लिया है, तो अभी मैं ना गुन्नू को खाना देने के लिए आ रखी थी और उसके लिए मैं अभी ना दूध गर्म कर रही हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारे गुरु का रात का भोजन और दिन में इसने ना चावल थोड़ा सा खाए थे तो उसी में मैंने रोटी डाल रखी है। तो फटाफट से पहले गुन्नू का भोजन देख के आती हूँ। अभी दोस्तों रात के 10:15 बज चुके हैं और
हम तो सोने लग गए हैं क्योंकि बारात को आने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, क्योंकि नानी उसके दोस्त और गए थे बारात देखने के लिए, क्योंकि वो ना खाना खाने के लिए भी वहीं गए, तो बारात को आने में अभी टाइम है, तो इसलिए वो भी घर आ गए। तो हमने बोला कि हमने भी क्यों जाना, मतलब काफी लेट हो जाएगा तब तक, तो कल ही जाएंगे बारात देखने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि अभी मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, और वीडियो एडिट करते करते 10:30-11 बज ही जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।